दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप। इसके लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, हरी प्याज, गाजर और हरी गोभी। अब हम सबसे पहले हरी प्याज को बारीक बारीक काट देंगे और इसके जो मेन प्याज है उसको छोटा छोटा अलग से काटेंगे और गाजर भी इसी तरीके छोटी छोटी काट लेनी है। और उसके बाद हरी गोभी इसको छोटे छोटे स्लाइस कर देना है। इस तरीके से सब चीज़ काट लेना है। पत्ता गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब हम एक पतीले में मक्खन डालेंगे और उसमें हमने डाला है लहसुन। जब लहसुन थोड़ा सा गर्म हो जाए, हल्का सा ब्राउन होना है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज कटे हुए और इसके बाद तेज पत्ता सारी सब्जी इसी में डाल रहे हैं। कटी हुई सारी सब्जी डाल के थोड़ा सा चलाना है। हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार डालना है। अब इसके बाद हम इसमें तकरीबन 6 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अजीनोमोटो। अजीनोमोटो डालना जरूरी है। तब तक हम 2 चम्मच अरारोट पानी में घोल लेते हैं उबलते हुए सूप में डालने के लिए, ताकि वो सूप गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा। अब हम तेज पत्ते को निकाल लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और अरारोट घोला हुआ जो था वो हम सूप में डालेंगे गाढ़ा करने के लिए। अब हम इसे थोड़ा सा उबालेंगे ताकि सूप पक जाए। अब हमारा सूप तैयार हो गया है।